Hey guys, welcome to the Android Guide channel and आज के इस वीडियो में मैं आपको सोनी की तरफ से एक न्यू टीवी जो है वो इंडिया में लॉन्च किया गया है, सोनी ब्राविया XL X90L। और ये जो एंड्रॉयड टीवी है इसमें आपको बहुत सारे लाइनअप्स देखने को मिलेंगे। टीवी जो है वो बिल्कुल सेम है, सब में स्पेसिफिकेशन सेम है, हार्डवेयर सब कुछ सेम है, बट साइजेस जो है वो डिफरेंट अवेलेबल है। सो गाइज चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि इस टीवी में क्या क्या वो खासियत दिए गए हैं जिससे इस टीवी का प्राइस काफ़ी ज़्यादा है और इस टीवी पे आप जो है गेम वगैरह भी खेल सकते हैं। So, चलिए वीडियो में आगे बढ़कर मैं आपको पूरा डिटेल जो है इस टीवी के बारे में देता हूं। बट उससे पहले अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तब आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इस एंड्रॉयड टीवी के डिस्प्ले से। तो इसमें आपको एक अल्ट्रा फुल एचडी एडी एलईडी डिस्प्ले मिलता है जिसमें आपको ट्राइल्यूमिनस क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी दिया गया है। 55 इंच, 65 इंच एंड 75 इंच के साइजेस में ये आएंगे। XR प्रोसेसर दिया गया है, 4K HDR प्रोसेसर के साथ ये आएगा और 4K X Reality Pro भी आपको इसमें मिलता है। मोशन फ्लो XR के हेल्प से यहाँ पे आपको ट्रू टू लाइफ प्ले पिक्चर क्वालिटी मिल जाएगा और यहाँ पे आप अपस्केल कर सकते हैं 2K और HD को 4K क्वालिटी में, तो अपस्केल का भी ऑप्शन इसमें मिलता है। और यहाँ पे डेडिकेटेड लाइट सेंसर दिया गया है जिससे लाइट के हिसाब से आपके डिस्प्ले का जो लाइट का जो ब्राइटनेस है वो कम ज़्यादा होता रहेगा। और इसमें आपको टी सेप आपको स्टैंड दिए गए हैं, एक्स बैलेंस डॉल्बी एटमॉस दिया गया है सर्टिफाइड सराउंड स्पीकर के साथ। और ये साउंड क्वालिटी इतना अच्छा होने वाला है कि इसमें आपको एक सेंसर दिया जाएगा जिससे जो भी ऑब्स्टिकल्स वगैरह होंगे उसको ये मेजर करके एक अच्छा साउंड क्वालिटी आपको प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे आपको ऑटो HDR ट्यून मैप जो है वो आपको किया गया है, मैपिंग दिया गया है, ऑटो जेनरस पिक्चर मोड इसमें दिया गया है, 4K 120fps तक का इसमें आपको सपोर्ट दिया गया है, तो रिफ्रेश रेट आपको 120Hz का मिलता है। और यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं PS5 को टीवी से, ऑटोमेटिक जो है वो इनहेंस कर लेगा सीन को और रिड्यूस करेगा लैग। और इसमें आपको गूगल टीवी का सपोर्ट मिलता है, 10,000 ऐप्स का सपोर्ट आपको मिल जाएगा और 7 लाख प्लस मूवीज एंड OTT प्लेटफॉर्म के बहुत सारे मूवीज वगैरह को आप स्ट्रीम कर सकते हैं। और इसमें आपको सपोर्ट मिलता है एप्पल होम किट का और एप्पल एयरप्ले का और IMAX इनहैंस्ड अप टू 80 Mbps का जो आपको इसमें IMAX का वो पिक्चर क्वालिटी और इन्हांसमेंट मिलता है। और यहाँ पर आपको ये जो रिमोट दिया गया उससे आप जो है सारे डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं जो भी इस स्मार्ट टीवी से कनेक्टेड हैं। और यहाँ पे जो प्राइस रखा गया है वो आपको 55 इंच का प्राइस है 1,69,900 एंड 65 इंच का है 2,29,000। और अभी इसका प्राइस जो है वो लिस्ट हुआ है 55 इंच का 1,32,990 एंड 65 इंच का 1,70,990। सो गाइज अभी 75 इंच के का जो प्राइस है वो अनवील नहीं किया गया, बट यही दो जो है वो प्राइसेस अनवील किए गए हैं दो साइजेस का, 55 इंच एंड 65 इंच। सो अगर आप प्लान कर रहे हैं एक स्मार्ट टीवी, एक एंड्रॉयड टीवी का जिसमें आप गेमिंग वगैरह भी कर सकें और काफ़ी अच्छा उसका पिक्चर क्वालिटी हो, 4K 120Hz हो, तो इस टीवी को आप कंसीडर कर सकते हैं। रिसेंटली ही ब्राविया ने, सोनी ने जो है वो है, रिसेंटली ही सोनी ने ये जो है वो सोनी ब्राविया XL X90 जो है वो इसको लॉन्च किया है। सो गाइस अगर आपको मेरे ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो नीचे कमेंट करें, मैं आंसर जरूर दूंगा।